तो हमारे कल्चर सेंटर का और गरीब की ख्वाहिश हो रही हम अपनी बाल में बात करें। आज एक बहुत बड़ा दिन है, बड़ा दिन यानी आज सुन है कि यासु पहले मुख्तलिफ जबान और कल्चर के हमारे काम करने का हवाला सुन गवर्नमेंट लेवल पे ही कोई जगह मुक्त सुनी है, गवर्नमेंट लेवल पे ही कोई हॉल्स बना, गवर्नमेंट लेवल पे ही कोई इवेंट कॉम्प्लेक्स बना कि क्रेडिट पैनल चली लेवल जो साहब जावे का जिनकी सखावत इनकी खड़ा है कि आत्मा लैंग्वेज कल्चर और काम करने के बारे में एक जगह मौजूद है जहाँ हम यकीन बहुत अच्छा कोशिश करेंगे ऑर्गेनाइज करा। तो एक लैंडमार्क है, चाहूँगा कि नदी साहब के बारे हम बहुत सारे दोस्त जाना है कि देवर को हमारा विश्व कल्चर है, जब हिंदू रस्म रिवाज बहुत सारी हमने इनहेरिट करी हैं और साथ साथ हमारी इस्लामिक जो मजहब के साथ साथ हमारे साथ आई रहती हमने अपनाई और एक बहुत नई बात ना है देवर हिंदुस्तान की कदीम इस्लाम को हमने सुनी था। हम सब जाना है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह की इंडिया में आम सब पहले महमूद गज़नवी को जो हमला हुआ तो सैयद सादात साहू ने सबसे पहले जो लोग मुसलमान का रहा उनमें दे होगा एक स्टोरी का लेकर बात है। और यही हमारा जो हमारा जो मिक्स कल्चर है ना वो बहुत सारी ऐसी बातें हमने जाहिर भी करे जो बज़ाहिर हमने लगा अजीब सी लेकिन हाँ जैसे हमारे कभी बिरासी जब भादू मागड़ आ गया जैसे हम बाग हो गया तो आते जो सबसे पहले शेर पढ़े हो तो ये हो कि तुम जरा जन हर हर ना पकाए ना तो पास ना शहर जब दिल एक साए तार होता तो जन इंदर सु भाती लाए और तार सिर पे नबी रसूल तक चल फरमाए। अब वो एकदम गियर चेंज करके नबी पे आ रहा या तो हिंदू का जो बड़ा जो बड़ी पर्सनैलिटी है उनकी तारीफ कर दो कल्चर में कौन सी चीजें डिफाइन करेंगे और कल्चर में हम कौन सी चीजें प्रोटेक्ट करेंगे। कल्चर बहुत सारा खादी वादन के साथ तेरा मुंसलिक तुम्हारा लाइफ स्टाइल डिपेंड करे है तुम्हारा जरिया मुआश पे तुम्हारा रहन सहन पे तुम्हारा एनवायरमेंट पे। अगर आज हम कहवा के विवाद में तो चूंकि हल चला के हम तो आज हम भी हल ही चलाएंगे और कल्चर है तो कल्चर ना हमने मशीनरी की तरफ आना पड़ेगा। पहले पगड़ी एक इज्जत की भी अलावा थी साथ साथ जरूरत थी जंगल में भी तुमने पगड़ी बांधनी पड़ी धूप पे ट्रेवल करने के बाद पगड़ी बांधनी पड़ी। अब अगर जमीन साहब या और कोई लोग शुरू एसी दफ्तर में सो एसी कार में बैठे एसी कार में सो एसी घर से निकल जाए तो शायद वहां पगड़ी की बात की जरूरत ही ना है। हर वक्त पगड़ी बांधे हो तो एक मजा के आते इसी सूरत के नाम की आ जाए। तो क्वेश्चन ये है कि हम कहाँ हैं, कौन सी ऐसी चीज है जहाँ हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वक्त हवाला से गुजारिश ये है कि काई भी कोई भी एक खास कम्युनिटी जो अपने अलग शनाख्त बचा के रखना चाह रही है बाकी सबसे बड़ी अलामत रह गए स्वभाव का या जुबान में वे आपस में बातचीत करना वो जाहिर कर रहा है कि ये कोई एक खास कम्युनिटी है एक खास जगह का रहने वाला एक खास नस्ल का होगा या एक खास तहजीब या तमदन है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो बाकी दुनिया को जो पहला टारगेट है वो ये हो कि हम अपनी जुबान प्रोटेक्ट करें
हमारी छोटी जबान में बहुत सारी चीज ऐसी थी जो सीना कदर थी, जो हमारा विरासी में याद रह रही, सीना दर सीना चलेगी और बस बाद बेरोपियों का याद करें। वो माहौल ऐसा हो कि अगर कोई हट वोट हो तो भी दुआ का और दवाई का रात खड़ी पर बैठा हाँ तो मेरा सीन की बात सुन रहा है। जब वो माहौल चेंज हुए तो फिर ये दास्तान आहिस्ता आहिस्ता हाइप होनी शुरू हुई। तो निर्वाती दुनिया ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट में समझूंगा कि यह की है कि हमने हमारे पे जो अवेलेबल चीज थी वे डॉक्यूमेंटेड करने की कोशिश करी है और वहाँ हम बहुत हद तक कामयाब हुआ। दर्जनों किताब हमने ऐसी छापी है कि अगर हम इन किताबों में ना छापता तो शायद ये चीज अगली नजर तक मुंतकिल ना हो। दूसरी बात यह है कि उनका कल्चर में जो अहम तरीन चीज ही वो ही भाई मिला दी। तब हजार पगड़ी बांध ली, तब हजार तहमत बांध ली, तब हजार भाई हो गया था सारा का सारा। मैंने जिसका निशान ने बताई मैं गए कई दफा आपकी उम्र में बुजुर्ग बतावा कि वो पुराना पहाड़ की चोटी पहले नगाड़ो रखो रहे हो अब अजाण को मतलब ये हो कि पहाड़ सो गया और हमने इकट्ठो हूँ बिल्कुल ना देखे हैं कि यार जो बजा दो इधर चाचा को इधर ताऊ को या मेरी गोद को सिर्फ ये हो कि मेरे मेरी बिरादरी को मेरे है वो बुलाओं को साथ करूँगा। ये एक ऐसी खूबसूरत रिवायत की जाए दोबारा सूख जिंदा करने की जरूरत है। हमने अपना बचपन में जो ही गाँव में शादी ब्याह देखा पूरी बरादरी इकट्ठी हो रही सवारी पैदा ना हो गए कोई आदमी तकरीब महसूस बाहर चला जाए कोई आदमी जैसा हम कह गया ना कि रूसा पट्टी हो रही है चार नजायज फिर उसे तो सब गाँव वाला खराब है क्योंकि भाई के साथ चल रहा है भाई के साथ रहो और भाई के साथ ही हमारी ताकत है। ई है वो कल्चर जाकर बारे में हम कोशिश कर रहा हम निवासी दुनिया कोशिश कर रही है कि हम बस सोचे जिंदा रहे हम एक दूसरे के साथ चल हम पैंट पहनाना से कोई फर्क ना पड़े हम टाई पहनाना से कोई फर्क ना पड़े हमारा बोलियो कहा है ई वक्त के मुताबिक है तब यह चेंज होने से रोक ना सकते। और जयवती का शायर ने कही ना कि लीक लीक गाड़ी चले लीक ही चले कपूर तीनों लेकर ना चला साधु सिंह सबूत। नया रास्ता तो हमेशा तलाश करना चाहिए नई दुनिया में आओगे तो तुमने नई इनोवेशन हो रही है नई इजादात हो रही है दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई तब एक खास दुनिया के साथ अटैच ना रह सके लेकिन तंदे में खूबी वे जो तारा कल्चर की खूबसूरती ही जैसे मैंने अभी एक बात बताई के भाई बिरादरी को एक सिस्टम हो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ हम अपना भाई से कभी भी दूर हो ही ना सकेगा हम एक दूसरे के साथ यात्रा से वेंटिलेट था कि बुरा से बुरा वक्त में भी आपके साथ खड़ा हो गया हम अपनी जुबान हमारा जो रिश्ता नाता था देखो आज हमारे लिए हमारी कम्युनिटी मनावर पर हर बड़ी पड़ी है जहेज की वजह से इफेक्ट है बड़ा बड़ा कल की बड़ा जो हमारे पे बैठ के बड़ी बड़ी तकरीर ने झाड़ा जब रिश्तों का राज हो रहा था तो मैं तुम्हें कहवा कौन सी गाड़ी दे रहा हूँ ये एक हकीकत है या सब डिनाई ना कर सकते आज सो तुम 50-60 साल पहले 70 साल पहले पीछे जाओ ऐसे ना ही था बेटी भी इज्जत थी और बेटी वाला पे सो रिश्तों जो है ना उन दोनों खा खा के लिए जाते हो हमने बुजुर्ग कल से यही सुना बेटी वाला की इतनी बेकत नहीं जानी जैसे जैसे हमारे पे सोर्सेज आया हाँ ये जो बुराई हमारे अंदर आई है हम दोबारा भाई भाई पिछली साइड पे जो हम छोड़ दिया जाए आपके भाई साइड पे जान की जरूरत है। मेवाती कल्चर में बेशुमार ऐसी चीज थी पहाड़ बेटी की इज्जत का हवाला था मैं मेवात में गए होकर पता करो उनने कही पिछला शायद 40-50 साल में भी कभी कहीं छोड़ ये कही पहाड़ बेटी की नहीं वो पूरी नजर से देखने को या वक्त साहब को 10 दर आदमी को बाकी होगी ना कभी कोई तैयार ना कभी कोई कर लेना रात को दिन लोग ज्यादा आ रहा हूँ सवारी कर रहा हुए इवन मैंने यूँ देखो कि मैं एक गांव में से निकलो तो मेरे साथ जो मेरा मेजबान हो एक छोरी जा रही है और जारी जा रही है उनके हाथ भाई में जा रही हूँ जेब में हाथ निकाल दस रुपये हवा का हाथ पे रख दिया सिर पर हाथ रख दी उन्होंने यही कौन खानदान में सुन लोगों ने आना ही तो फरान की बात छोरी तो मतलब ये है कि
जो हमारी एक एरियो हो ना, जाए हम शायद बिना वजह छोड़ दो वहाँ जिंदा रखने की जरूरत है। ये हमारा कल्चर की वह चीज़, ये हमारा कल्चर की वह खास खूबसूरती जिनके वाले की पूरी टीम, जब जमीन साहब, आकर साहब, डॉक्टर ताहिर साहब भी बैठा है, अहमद फहीम साहब भी बैठा है, असदुल्ला साहब भी बैठा है, और हमारा कुछ दोस्त जिन्हें मैं लाजमी याद करूँगा ये खास मौका पर, इस्माइल परवाना साहब, मैं सारा का सारा ये मूवमेंट का रूह है रवाहा, अल्लाह करवट करवट के अंदर नसीब करे, उनकी उनको खास एक इब्तदा करने में उनको बहुत बड़ा एक रोल, जमीर साहब के पीए में आया, उन्हें एक आइडियो दो। देखो ना, दुनिया में आइडियो सबसे अहम चीज, रियाज रुमानी साहब, अल्लाह उन जन्नत नसीब करे, बड़ा शायर, हम सब जो लिखने वाला हाँ उनकी उन लोग कलम पकड़ाना और उनके लफ्ज ठीक करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर, उनकी उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है, उनकी बहुत बड़ी खिदमत है। तो हम इन दोस्तों ने याद कराना, अल्लाह इन्हें जन्नत नसीब करे। और अभी कुछ दोस्त हमारा ही नाश्ता का कैश चौधरी साहब ने तमद ने विवाद के नाम से कैसी किताब लिखी, जहाँ मैं पैदाइश से लेकर मौत तक का वाला सुख ले कल्चर की सारी चीज हमारे समो। तो मैं मेरी गुफ्तगु चूंकि लंबी हो रही है, हमारी ख्वाहिश हो रही थी, देखो हिस्ट्री में शायद बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड ना होगा, लेकिन अगर हम अपनी जुबान है बचा दें और अपना कल्चर की खास जो खूबसूरती, जो हमारी शादी ब्याह की रस्म थी, अपनी बेटी को इतनी इज्जत दे रहे हैं कि कोई बाल फोटो हो गया तो चूचक, एक खास किस्म की एक तकरीब है। बुनियादी तौर पर एक सिंपल है ना कि हम अपनी खवातीन लूँ, हम अपनी बेटी लूँ, हम अपनी बहन लूँ, कितनी इज्जत देवा। और ये भी फैक्ट है कि बेवड़ी जब 100 साल की हो जाए, चाहे वो बादशाह अकबर का महसूस खड़ा पहन रह गई हो, उन्होंने कहेगी मेरे भाई को जैसे खड़ा होता है ऐसा बनाओ, नहीं कहीं ई है वो कल्चर, ई है वो प्यार मोहब्बत, वो एक सारा सिस्टम जाकर मालूम। हम जहाँ कम अज कम हवा भूला ना, हवा याद रखा, हवा डॉक्यूमेंटेड कर दिया, और मैं दोबारा खराज तहसीन पेश करूँगा। चलो देर आया दुरुस्त आया, अल्लाह ताला ने हमें कोई तो आदमी ऐसे पैदा करो जाने जुबान कल्चर तारीख के मारे एटलीस्ट कही गया मैं अवेलेबल हूँ, 1 रुपये खर्च हो गए, 10 करोड़ रुपया खर्च हो गए, मतलब हालात कि हम ब्याह शादी में गंद खाना के ऊपर जहाँ 20 लाख रुपया खर्च कर दिया ना, हमारी जो किताब है हम लोग कह गए यार ये किताब हम लेंगे, वो तोहफे दियो की है वो एक एक जो हमारे अंदर नेगेटिविटी पैदा हुई है। मैं आप सारा लोग बिरादरी का मुअज्जज बैठा हो आज का प्लेटफॉर्म का तवस्सुस हूँ, एक गुजारिश लाजमी करूँगा कि बेवाती दुनिया जिन किताबों ने छुआ गए हैं, जिनका हवाला सिर्फ तुम भी हमने अप्रिशिएट करो, तो यहाँ तुमने हम फिक्शन हाउस पर सुन लेके तो 2-2, 4-4 किताब लेके एक दूसरे तोहफे दे देखो, हमारी हमारी जेब पर कोई फर्क ना पड़ सके। लेकिन वे जो लोग हमारे साथ ये सारा काम में मुआवन कर रहा, मैं भी उनकी इंस्पिरेशन, उन लोग कुछ ना एक